Hello everyone, this is Sam Rahman. This is Abdul Rahman. Welcome to our channel, ARS Vlogs. हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक हो गए, हमारी तरफ फिट फाट हो गए गाइस। हम फिर आगे नई वीडियोस लेकर और एक नई सिटी लेकर जो के है चेन्नई, साउथ इंडिया, चेन्नई एक्सप्रेस, तमिलनाडु। तमिलनाडु को पता है मुझे, तमिलनाडु इनकी जो लैंग्वेज है वो भी तमिल है। तमिल टाइगर्स बहुत सुना मैंने। काफ़ी फ्रेंड्स हैं मेरे चेन्नई से, एक्चुअली साउथ इंडिया से, तो पता ही होगा सबको क्योंकि यहाँ पर बाहर बहुत ज़्यादा जो कंट्री से बाहर लोग हैं वो मोस्टली, तो अगर आप देखेंगे तो साउथ इंडियंस ही होते हैं। हाँ। और मोस्टली ज़्यादा हैं काफ़ी, मतलब तो इतने वहाँ नहीं जितने यहाँ पर हैं। अच्छी चीज़ है यार। तो गाइस, ये जो वीडियो है हम लेकर आए हैं चेन्नई सिटी के ऊपर, तो आए देखते हैं पहले ये वीडियो, फिर करेंगे इस पर बात कैसी है। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आए देखते हैं ये वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम टू प्लेंटी फैक्ट्स। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चेन्नई के बारे में, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चेन्नई तमिलनाडु की सबसे बड़ा शहर है और चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल सिटी भी है। चेन्नई शहर बे ऑफ बंगाल के कोरोमंडल कोस्ट में स्थित है और इस शहर को साउथ इंडिया का सबसे बड़ा कल्चरल और इकोनॉमिक हब भी कहा जाता है। चेन्नई को पहले मद्रास नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा चेन्नई को डेट्रॉइट ऑफ साउथ एशिया, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, इंडिया हेल्थ कैपिटल, सिटी ऑफ फ्लाईओवर्स और बैंकिंग कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। चेन्नई शहर 426 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया 1189 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 2019 में चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया की कुल आबादी लगभग 1,10,00,000 के आसपास है। लोनली प्लैनेट के अकॉर्डिंग चेन्नई दुनिया के 9th बेस्ट कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। और 2017 में चेन्नई को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में भी शामिल किया गया है। चेन्नई को ऑटोमोबाइल हब ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि भारत के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के 40% ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चेन्नई में ही मौजूद है। ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन यानी कॉरपोरेशन ऑफ मद्रास, ये भारत के सबसे पुराना और दुनिया का दूसरा सबसे पुराना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से चेन्नई पूरी वर्ल्ड में फर्स्टेस्ट ग्रोइंग सिटी की लिस्ट में टॉप 10 पे आती है। चेन्नई में वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज भी अवेलेबल है और इस शहर में 45% विदेशी पर्यटक सिर्फ हेल्थ पर्पज से ही आते हैं। 45% इनकॉरेस हाउस ऑफ हिरंदनी 45 फ्लोर्स के साथ चेन्नई की सबसे ऊंची इमारतें हैं। मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट एंड सेंटर फॉर हार्पेटोलॉजी एशिया के एकमात्र क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर है। चेन्नई से ही भारत में वाईफाई की शुरुआत हुई थी और भारत का सबसे पुराना जेल सेंट्रल प्रिजन जेल इसी शहर में मौजूद है। चेन्नई के गुंडी में स्थित कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग देश की सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। मद्रास हाईकोर्ट बिल्डिंग दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जुडिशियल बिल्डिंग है। भारत में पहली बार के लिए बैचलर डिग्री कोर्स में म्यूजिक का इंट्रोड्यूस मद्रास यूनिवर्सिटी ने ही किया था। भारत का सबसे पुराना शॉपिंग मॉल स्पेंसर प्लाजा चेन्नई में ही बनाया गया था। चेन्नई भारत में एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पे सेकेंड ऑर्डर के टाइम भी अटैक किया गया था। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का 4th मोस्ट बिजी एयरपोर्ट है और ये शहर साउथर्न रेलवे का हेडक्वार्टर भी है। 2007 में चेन्नई में मेट्रो रेल चलाने की प्लानिंग की गई थी और 2015 में चेन्नई में मेट्रो रेल चालू हुआ है। चेन्नई कोयम्बेडू सीएमबीटी बस टर्मिनल एशिया के सबसे बड़ा बस टर्मिनल है। चेन्नई पोर्ट बे ऑफ बंगाल के लार्जेस्ट सी पोर्ट है और ये भारत का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल सी पोर्ट भी है। भारत के सबसे पुराना हॉस्पिटल और एशिया के सबसे पुराना आई हॉस्पिटल इसी शहर में मौजूद है। आई हॉस्पिटल चेन्नई के मेरीना बीच इंडियाज लॉन्गेस्ट सी बीच है। तो दोस्तों, ये थी चेन्नई के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स।
तो अब हम जानेंगे चेन्नई और चेन्नई के आसपास में घूमने लायक कुछ अच्छे जगह, कुछ फेमस प्लेसेस जहाँ पे आपको जरूर एक बार विजिट करना चाहिए, जैसा मरीना बीच, महाबलीपुरम टेम्पल, फोर्ट एसटी जॉर्ज, अरिकनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क, एमजीएम डीजी ओल्ड, गुइंडी नेशनल पार्क एंड सिनेक पार्क, बेल्लानकानी श्रेणी, रायापुरम फिशिंग हार्बर, मद्रास क्रोकोडाइल ट्रस्ट बैंक, थाउजेंड लाइट मस्को, कपिलेश्वर टेम्पल, इलियट्स बीच, एमजीआर मेमोरियल, श्री पथासिरथी टेम्पल, बल्लूबर कट्टम, मद्रास और सेमेट्री, बिरला प्लानिटेरियम, सेंट थॉमस आर्च, नेट्टुकुप्पम, चोलामंडल आर्टिस्ट विलेज, सब साउथ इंडियन नेम है, विवेकानंद हाउस, गवर्नमेंट म्यूजियम। तो दोस्तों ये थी चेन्नई के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और चेन्नई के आसपास में घूमने लायक कुछ अच्छी जगह, कुछ फेमस प्लेसेस। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से चेन्नई के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला है। अगर वीडियो अच्छा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय। ओके हाँ, जितना सुना था चेन्नई के बारे में, चेन्नई अच्छा बिल्कुल साउथ इंडियन, मतलब साउथ इंडिया में ऑफ कोर्स साउथ इंडियन नेम्स ही थे। तुमने कुछ भी साउथ इंडियन फूड नहीं खाया ना अभी तक? मैंने ट्राई किया है जिसमें है इडली सांभर डोसा। इडली सांभर, इडली जो है वो राइस की रोटी जैसे होता है ना, रोटी हम लोग खाते हैं तो राइस की रोटी टाइप की होती है। उसके अलावा एक वो होता है सांभर, सांभर इज लाइक आई थिंक दैट ग्रेवी, वो जो ग्रेवी टाइप वो होती है सांभर। मैंने खाया है, मेरे फ्रेंड्स खाते हैं साथ में, थोड़ा बहुत टेस्ट किया है। और एक और वो होता है, वो बड़ा सा देते हैं, अरे वो क्या होता है, इतना बड़ा सा ना, बिल्कुल पतला सा वो कुछ खाने को होता है उस ग्रेवी के साथ, वो भी बहुत बहुत अच्छा है। और भी बहुत से इनके फेमस हैं। और क्या क्या? और भी बहुत चीज़ें हैं वैसे इनके, जैसे खाने में जैसे मैंने देखा ये लोग चिकन में, वो चिकन चुक्का एक डिश है इनकी, चिकन चुक्का और चिकन चिल्ली समथिंग कुछ था, पता नहीं क्या। खैर वो तो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट से मिलते हैं मुझे पता है। तो अच्छा था साउथ इंडिया में, स्पेशली चेन्नई में से मुझे पता है कि आईटी सेक्टर में बहुत लोग हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पर, तो आईटी में काफ़ी आगे है जैसे इसमें इसमें भी बताया। और एशिया का सबसे बड़ा बस स्टेशन भी था इसमें था, और भी उफ काफी एयरपोर्ट भी इसका फोर्थ बिजिएस्ट एयरपोर्ट है इन इंडिया, वो फोर्थ बिजिएस्ट, तो काफी मतलब बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं। अच्छा तो साउथ इंडिया में काफी लोग चेन्नई में उतरते हैं, तमिलनाडु स्पेशली। एक स्टेट शायद तमिलनाडु है, दूसरी कर्नाटका है इनकी स्टेट, इसमें केरला वगैरह ये आता है। तो तमिलनाडु जो है इसका, तमिलनाडु का जो कैपिटल है वो है चेन्नई। इसमें चेन्नई एक्सप्रेस मूवी नहीं देखी क्या? हाँ, लुंगी डांस जो था, तो वहाँ के स्पेशली वो पहनते भी सिर्फ लुंगी है ना, लुंगी पहनते हैं। और ये तो अच्छी जगह है यार, मतलब काफ़ी सब चीज़ें हैं वहाँ पे, ग्रीनरी भी अच्छी है क्योंकि साउथ इंडिया में तो मैंने देखा है ये ग्रीनरी है, तो बाकी उसमें और भी सब चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छा है। तो और भी इस पर हम एक और वीडियो लेकर आएंगे थोड़ा और, ताकि मुझे इसके बारे में पता चले, इस वीडियो में से थोड़ा बहुत पता चल सका, बस थोड़ी बहुत फैक्ट्स पता चल सके। तो बाकी इसमें ज़्यादा चीज़ें घूमने की और इस तरीके से उस जगह को दिखाया वो नहीं था, तो वो जो मैं देखना चाहता हूँ तो वो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे ज़रूर इसके ऊपर। तब तक फिर मिलेंगे उस वीडियो में। हाँ, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।